नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। आईएमसी के 18वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित कर स्थापना दिवस मनाया गया। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदिरसी ने इस मौके पर हमारे संवाददाता जावेद सईद खान से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ रियाज अहमद की रिपोर्ट। आज जो जिला स्तर में जो फल वितरण हो रहा है, ये किसके लिए किस उद्देश्य हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि 7 अक्टूबर को हम हमेशा जो है पिछले 18 साल के समय स्थापना दिवस मनाते चले आए हैं, और हर बार का स्थापना दिवस जो होता है हमारा अलग अलग वक्तों के लिए होता है। इस बार का स्थापना दिवस जो था हमारा तहफ़ुज़ है कश्मीरियत, तहफ़ुज़ है इंसानियत और मॉब लिंचिंग और आतंकवाद, इन मुद्दों को लेकर था। लेकिन अभी 2 दिन पूर्व एक घटना घटी जिसमें सरकार के सामने एक बहुत बड़ी गुस्ताखी की गई, जिससे आवाम में जो है बहुत बड़ी नाराज़गी है। तो एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जो थी उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी तादाद में जो है जल समूह उमड़ने जा रहा है। तो मौलाना तौकीर अज़ा ख़ान साहब आईएमसी प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने एक अहम फैसला ये लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग अमन में खलल डालना चाहते हैं वो इसका फ़ायदा उठाएँ और हमारा शहर या देश या प्रदेश जो है वो अशांति की तरफ चला जाए। तो एक बड़ा फैसला लेते हुए जो है वो स्थापना दिवस को इस बार स्थगित कर दिया गया, और उसके साथ में इसको जो है कश्मीरियत को, इंसानियत को जो है समर्पित किया जाता है हमारे स्थापना दिवस। आज उसी सिलसिले में जो है हमारा ये प्रोग्राम रखा गया था फल वितरण का, जो हमारे सारे पदाधिकारी जितने हमारे अफजाल बेग साहब हैं, चौधरी राशिद साहब हैं, हमारे पदार खां हैं, शाहनवाज साहब हैं, तहसीन साहब हैं, फरमान साहब, ये सब लोग यहाँ पर हम आए हैं और फल वितरण करके जा रहे हैं।